हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो है रिज़ल्ट। जैसे कि आपको पता है, ये पूरा मंथ रिज़ल्ट का ही डे मंथ है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के रिज़ल्ट पेश होंगे। और इस वीक भी लगभग 170+ कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं। सभी को कवर अप वी कैन डू दैट, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट है, जिन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट उन बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में रहता है। फॉर द फ्यूचर ग्रोथ और रिज़ल्ट को देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि उससे पता चलता है कि कंपनी का भविष्य क्या है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही एक कंपनीज़ के रिज़ल्ट हम देखने वाले हैं, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार रिजल्ट, कैसे रिजल्ट इसके आए हैं। आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि जो रिजल्ट है 30/9/2020 एक्सेल, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 30/6/2020 ये लास्ट क्वार्टर, और ये 30/9/2019 मतलब ये लास्ट ईयर के, तो ये ईयरली है। ये क्वार्टरली बेस पे हम दोनों बेस पे हम बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन से जो रिवेन्यू आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। जो काम हम कर रहे, कोई कंपनी कर रही है, उससे जो रिवेन्यू आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए यहाँ पर लगभग जो ये रिजल्ट है, पहले बता दूं आपको कि 1 करोड़ रुपीज़, इन करोड़ में ये बातें हो रही है, तो लगभग 3,354 करोड़ रुपए के इनकी रिवेन्यू हुए है इस बार ऑपरेशन के थ्रू, जो इनका सेल्स हुआ है। एज वेल एज अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो लगभग इतना ही था, 33.84.46, थोड़ा सा कम है इस बार, बट इतना ही मान सकते हैं हम। और लगभग लगभग लास्ट क्वार्टर ईयरली की बात करें तो 3,022, जो कि ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छा हमारा अभी रिवेन्यू यहाँ पर ऑपरेशन के थ्रू हुआ है। और क्वार्टरली बेस पे बात करें तो लगभग सेम ही है। और इसकी रीज़न अगर देखना चाहे कि इसमें गिरावट क्यों है, तो देखिए जब कोविड आया था, पेंडामिक आया था, तो लोगों ने अपने घर में सामान भर लिया था। आप स्टोर पे गए होगे, तो आपने क्या किया होगा, आपको जहाँ 2 किलो चावल की ज़रूरत थी, वहाँ पर आपने 5 किलो या 10 किलो चावल खरीदे होंगे। तो हुआ क्या कि लोगों ने पहले ही स्टॉक करके रख लिया था, तो इस वजह से लास्ट क्वार्टर में के रिजल्ट और इस क्वार्टर के रिजल्ट में ये फ़र्क हो गया कि अब तो सब कुछ ओपन हो गया है, तो आप मार्केट में जा सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। बट उस टाइम लोगों को भगदड़ थी, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपना स्टफ भर के रख लिया, सामान पहले ही भर के रख लिया था अपने अपने घरों में। इसलिए इस बार के जो क्वार्टर है के रिजल्ट है, थोड़े से हमें कम नज़र आए हैं, बट सेल्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेल्स ईयरली बेस पे हमें दिखाई दे रही है। एज वेल एज ऑपरेशन के थ्रू रिवेन्यू जो हुआ है वो 64.76, ऑपरेशन अदर ऑपरेशन रिवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 64 करोड़ के। और लास्ट क्वार्टर की बात किया जाए 36, और लास्ट ईयर की बात किया जाए लगभग 24। इसमें भी हमें जंप देखी गई है, बट इसे हम ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि जो ऑपरेशन के थ्रू हमारा जो काम कंपनी कर रही है उसके थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो मायने रखता है। एज वेल एज टोटल इनकम की बात की जाए तो इस बार है 34.92.61 करोड़, लास्ट क्वार्टर था 35.14.35, और लास्ट ईयर था 31.16.99 करोड़। तो ईयरली बेस तो काफ़ी अच्छा है, क्वार्टरली बेस ऑलरेडी आया, मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से यहाँ पर आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो सिंपल सा रीज़न है। एक्सपेंस की बात की जाए, क्योंकि एक्सपेंस तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेवेन्यू हो रहा है तो खर्चा भी होगा, तो टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो अभी जो एक्सपेंस हुआ है वो 28.22 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 2,777.31 करोड़ का था, और लास्ट ईयर था 2,617.64, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेस पे काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक एक्सपेंस ज़्यादा होना किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट का रेशो कम हो जाएगा, आपको पता ही है। तो फिर भी यहाँ पर खर्च हुआ है तो वो माना जाएगा। तो अगर हम बात की जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो लगभग 670.18 करोड़, लास्ट क्वार्टर 737.05, और लास्ट ईयर 498.24। तो ईयरली बेस तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, बट अगर क्वार्टरली बेस पे हम बात की जाए तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसके अलावा प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स वगैरह कटने के बाद, जो हमारा जो
जो प्रॉफिट बचता है उसकी बात की जाए तो लगभग 500 करोड़ कह सकते हैं, 495.20 करोड़, और लास्ट क्वार्टर 542.68 करोड़ था, और अभी लास्ट ईयर 402.78। तो क्वार्टर ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, और क्वार्टरली बेस में थोड़ी बहुत गिरावट है जो कि ऑलरेडी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो इसके रिजल्ट हो गया। ईपीएस की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर हमें रिजल्ट समझ में ना आए ईपीएस से हमें सारी की सारी पिक्चर समझ में आ जाती है। अगर हमें अर्निंग पर शेयर पता चल जाती है कंपनी का कि क्या है ईयरली बेस या क्वार्टरली बेस, तो सब कुछ क्लियर आ जाता है। तो ईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लास्ट क्वार्टर था 16.182, ओके, जो कि बढ़ के 22.69 हो गया था। और कब हुआ था ये, लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, और अभी की बात की जाए तो अभी के क्वार्टर में लगभग 20.70 का यहाँ पर ईपीएस है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ओके, अच्छा ही माना जाएगा इसे। ईयरली बेस पे अगर आप देखें तो 16 से डायरेक्ट 720 हुआ है, 4 रुपये का यहाँ पर आपको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मैं कहूँगा, गिरावट हुई है, गिरावट का रीज़न आपको पता ही है किस वजह से हुआ है। पहले स्टॉक लोगों ने रख लिए थे, ओके, अभी मार्केट सब कुछ एवरीथिंग इज ओपन अप, तो लोग जा जाके जितने उनको ज़रूरत है उतने ही खरीद रहे हैं। बट पहले लोगों ने ड्यू टू लॉकडाउन, क्या हो सकता है कल कल को दुकानें बंद हो जाए, तो लोगों ने अपनी जहाँ 2 किलो चावल की ज़रूरत थी वहाँ 4 किलो, जहाँ 5 किलो आटे की ज़रूरत थी वहाँ 10 किलो, तो इस तरीके से लोगों ने भरा था। तो इस वजह से गिरावट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट काफ़ी अच्छे इस कंपनी ने, ब्रिटानिया ने अपने पेश किया। एज वेल एज बात कर ले हम ब्रिटानिया की, तो यहाँ पर आप सिंपल सीधे देख सकते हैं कि ब्रिटानिया जो का जो आज की दिन है तो 21 या 22 रुपीज़ का आप जंप देख सकते हैं, ओके। एंड आपको अगर बताना चाहूँ कि रिजल्ट तो देखो अच्छे, मैं अच्छे ही कहूँगा इस कंपनी के, ब्रिटानिया के, बट आपने पिछले देखा होगा कि आईटी इस कंपनी के रिजल्ट आए थे, तो लोग क्या हुआ था कि जैसे रिजल्ट आए लोगों ने डंप करना शुरू कर दिया। तो अगर कल की डेट में यहाँ पर गिरावट होती है तो आप डरना मत, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसे बल्कि एक्युमुलेट करना, अपने पोर्टफोलियो में जगह देना, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। और मैं क्योंकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस ने दिया है, किस तरीके से ये कंपनी बढ़ी है, तो वो आपके सामने है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए। ऑलरेडी मैं एक वीडियो यहाँ पर डाल चुका हूँ, ऑपरेटर, हु इज़ ऑपरेटर एंड हाउ टू डिफीट दैम, ओके, तो इसे देखना ना भूले। ये काफ़ी अच्छी वीडियो मैंने आपके पेश करी है ताकि ऑपरेटर के खेल से आप बच सके। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।